बोलनी शेरी तो मिठे हो गए कौड़े नी जट जाके अंदर इंस्टाग्राम पर बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग पर चल रही है। आप भी बनाना चाहते हो कुछ इस तरह की वीडियो तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप समझाया हूँ वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो कुछ इस तरह की वीडियो बनाने के लिए आपको VN एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है। VN एप्लीकेशन को आपको गूगल से डाउनलोड कर लेना है, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना है। अगर आप पे डाउनलोड नहीं होता है तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं अगली वीडियो में उसके लिंक दे दूँगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। VN एप्लीकेशन को ओपन करना है आपको, जैसे मैं कर लेता हूँ यहाँ पर। VN एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको एक फ़ोटो ले लेना है, जैसे मैं ले लेता हूँ। यहाँ से फ़ोटो लेने के बाद नीचे एरो का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका फ़ोटो आ जाएगा। इसके बाद आपको इसकी लेंथ को थोड़ा बढ़ा लेना है, जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ। तो जिस तरीके से करने के बाद आपको स्क्रीन पर एक बार क्लिक करना है ऊपर। थोड़ा क्लिक करने के बाद आपको प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर वीडियो पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको एक वीडियो की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, उसको जाकर डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद इस वीडियो को ले लेना है, जैसे मैंने ले लिया है यहाँ पर ये वीडियो। तो कुछ देख सकते हो यहाँ पर ये वीडियो आ चुकी है यहाँ पर। तो इसके बाद आपको प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जूम वन पर क्लिक करना है, वापस से एक बार और क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये इफेक्ट लग जाएगा। इसके बाद आपको FX पर क्लिक करना है। FX पर क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको जूम इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसको लगाना है आपको वीडियो को स्टार्टिंग में लगाना है इसको, जैसे मैं लगा देता हूँ यहाँ पर वीडियो को स्टार्टिंग में। लगाने के बाद राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, जैसे मैं कर देता हूँ यहाँ पर क्लिक। तो देख सकते हो आप यहाँ पर अपना FX ऐड हो चुका है वीडियो के अंदर। तो इसके बाद आपको फ़ोटो पर क्लिक करना है। फ़ोटो पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद जूम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जूम इन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जैसे मैं कर देता हूँ यहाँ पर क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये वीडियो देख सकते हो कुछ इस तरीके से बनकर रेडी हो जाएगी। तो इसके बाद आपको टेक्स्ट को ऐड करना है, जैसे मैं करके बता देता हूँ। यहाँ पर टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद टेक्स्ट पर क्लिक करना है। नीचे आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, देख सकते हो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको लिख लेना है, जो यहाँ पर एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको लिख लेना है। लिखने के बाद यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको लिख लेना है, आपको एक ही ये लिखना है, जैसे कि मैंने पेस्ट कर दिया है। इसके बाद आपको एक स्टिकर लगा लेना है। लगाने के बाद यहाँ पर आपको देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरीके से सेट कर लेना है, जैसे मैं यहाँ पर सेट कर रहा हूँ। इसके बाद आपको एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, जैसे मैं यहाँ पर एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको डबल लेयर दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से एक फॉन्ट को ले लेना है, कोई से फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ से इस वाले फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपको टी दिख रहा है टी कोष्टक में, इस पर क्लिक करना है, जैसे मैं कर देता हूँ। यहाँ पर आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हो हमारे यहाँ पर फॉन्ट ऐड हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर सेट कर लेना है, जैसे आपको वीडियो को अपने फ़ोटो के हिसाब से इस फॉन्ट को सेट कर लेना है। जैसे मैं कर लेता हूँ यहाँ पर, कुछ सही तरीके से सेट है फॉन्ट, आपको अपने हिसाब से सेट कर लेना है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो फॉन्ट बिल्कुल सही तरीके से सेट है। तो एक बार मैं आपको वीडियो को प्ले करके दिखा देता हूँ। देख सकते हो कुछ यहाँ पर कुछ इस तरीके से वीडियो हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। तो इसमें सॉन्ग ऐड करने के लिए आपको ऊपर सॉन्ग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद म्यूजिक में आना है। म्यूजिक में आने के बाद माई म्यूजिक में आना है। माई म्यूजिक में आने के बाद आपको यहाँ से माई म्यूजिक में से कोई सा भी सॉन्ग को एक ले लेना है, जो मैं इस वाले सॉन्ग को ले लेता हूँ। लेने के बाद आपको यहाँ पर राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमारे यहाँ पर सॉन्ग भी ऐड हो चुका है। तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमारी वीडियो बनकर रेडी हो चुकी है। तो इसके बाद आपको इसको सेव करने के लिए ऊपर सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हो यहाँ पर हमारी वीडियो सेव हो रही है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे।